नमस्कार, मीरा मेहता किचन में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड, जैसे कि आजकल नवरात्रि स्पेशल चल रहे हैं, तो मैंने पिछली वीडियो में आपको साबूदाने की खीर और साबूदाने की खिचड़ी बनाकर दिखाई थी, और आज मैं बनाने जा रही हूँ साबूदाने और आलू की टिक्की। तो आइए फ्रेंड्स, साबूदाना और आलू की टिक्की के लिए हमें क्या क्या चाहिए वो भी देख लेते हैं। फ्रेंड्स, ये मैंने साबूदाना, ये ड्राई है और इसको मैंने 4 घंटे के लिए सोक करके रखा था। अब ये बिल्कुल सॉफ्ट हो गया है जैसा हमें चाहिए। जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, जितना सॉफ्ट होगा, मेन जो भी हम साबूदाने से कुछ भी सब्जी या खीर जो भी बनाएंगे, उसका मेन यही है कि ये जब हम भिगोएं तो ये अच्छे से बनना चाहिए। अगर ये कच्चा रह गया तो हम कितना भी ट्राई कर लें, गैस में बनाते रहें, तो वो नहीं होगा, वो दाना हार्ड हो जाता है स्टोन की तरह। तो इसलिए इस चीज़ को आप ध्यान रखें। अगर आपका ये सोक अच्छे से हो गया तो आपकी पूरी जो है, जो भी आप सब्जी या खीर बनाने जा रहे हैं, बहुत अच्छे से बनेगी। तो अभी तो हम बनाने जा रहे हैं साबूदाने और आलू की टिक्की। तो फ्रेंड्स, ये सोक किया हुआ साबूदाना है और इसके लिए मैंने ये 2 आलू लिए हैं। ये बॉयल्ड आलू हैं और इनको बॉयल करने के बाद मैंने ठंडा फ्रिज में ठंडा होने के लिए रख दिया था, क्योंकि आलू की टिक्की, ये तभी आलू की और साबूदाने की टिक्की अच्छी बनती है जब ये आलू ठंडे होंगे, क्योंकि गर्म आलू में टिक्की फट जाती है, ठीक से वो अच्छे से मिक्स नहीं हो पाता, बाइंड नहीं हो पाती आलू की टिक्की और साबूदाने की। और फ्रेंड्स, इसके लिए क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो भी हम देख लेते हैं। इसमें मैं गाजर डालूंगी ग्रेट करके, और फ्रेंड्स काली मिर्च पाउडर, सेंधा नमक, ये ध्यान रखना हमने सेंधा नमक ही यूज़ करना है अगर हम नवरात्रों में स्पेशली जब हम कोई डिश बना रहे हैं। और ये धनिया पाउडर है, ये ऑप्शनल है, अगर आप यूज़ करते हैं तो करें, नहीं तो इसको स्किप कर सकते हैं। और ये देसी घी या रिफाइंड आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, तो मैंने इसके लिए देसी घी लिया है। और फ्रेंड्स, इसके साथ ही इसमें मैंने अदरक ये ग्रेट करके रख लिया है, ये हरी मिर्च 2 मैंने बारीक बारीक काट लिए हैं, और ये थोड़ा सा मैंने हरा धनिया लिया है। तो आइए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं हम साबूदाने और आलू के टिक्के। इसमें हम आलू को अच्छे से पहले मैश कर लेंगे, और आप चाहें तो इसको ग्रेट भी कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको हाथ से ही मैश कर रही हूँ क्योंकि ये अच्छे से बॉयल हो गए हैं, तो कोई ऐसा हमें ज़रूरत नहीं है ग्रेट करने की। और इसमें अब मैं डालूँगी ये साबूदाना, और फ्रेंड्स जब ये ध्यान रखना है इसमें पानी नहीं होना चाहिए, क्योंकि पानी होगा तो फिर वो हमारा ठीक से बनेंगे नहीं, आलू की टिक्की और साबूदाने की। ये लिया मैंने ये धनिया जो काटा था, अदरक ग्रेट किया हुआ, और ये हरी मिर्च, काली मिर्च पाउडर, ये सेंधा नमक, ये फ्रेंड्स आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं जितना आप यूज करते हैं, और ये ग्रेटेड गाजर। ये भी देखिए फ्रेंड्स बिल्कुल ड्राई है, इसमें पानी नहीं है। इसमें डालेंगे हम धनिया पाउडर थोड़ा सा, ये ऑप्शनल है, अगर आप डालते हैं यूज करते हैं तो ये करें, नहीं तो स्किप कर सकते हैं। अब इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। ये फ्रेंड्स देखिए, ये अच्छे से ये हो गया है हमारा बैटर। अब इसको हम, ये देखिए, अब इसको अब टिक्की बनाना शुरू करते हैं। बनाने से पहले थोड़ा सा हम इसमें हाथ में घी लगा लेंगे ताकि ये चिपके ना, तो हम इसको रोल करें इसका। और फ्रेंड्स साइज आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। फ्रेंड्स हम बना लेंगे। फ्रेंड्स ये आलू की टिक्की ये मैंने बना ली है, इसको हम 10 मिनट के लिए रेस्ट के लिए रखेंगे। और फ्रेंड्स जब तक ये 10 मिनट के लिए हम इसको रेस्ट के लिए रखते हैं, तब तक हम इसके को हम हरी चटनी के साथ सर्व करने जा रहे हैं। तो हरी चटनी हम बना लेते हैं। फ्रेंड्स इसमें मैंने पुदीना, हरा धनिया, हरी मिर्च और इसमें 1 नींबू का रस डाला है, और इसके साथ ही इसमें मैं डालूंगी थोड़ी सी चीनी। तो ये शुगर पाउडर है, मैंने चीनी पीस के रखी है, तो इसमें मैं ये 1 स्पून डाल रही हूँ।
क्योंकि फ्रेंड्स जो तीखा और जो खट्टा है उसके बैलेंस को बनाता है। और इसमें थोड़ा सा अब ये सेंधा नमक, नमक वो अपने टेस्ट के हिसाब से डालें। फ्रेंड्स देखिए चटनी हमारी ये बनकर तैयार है। अब इसको हम इसमें ट्रांसफर कर लेते हैं। हम शुरू करते हैं टिक्की बनाना। और इसमें मैं ये घी डाल रही हूँ, आप चाहे तो रिफाइंड भी यूज कर सकते हैं, ये ऑप्शनल है। इसमें बहुत कम घी जाता है, घी या तेल कुछ भी, इसको हम अच्छे से चला देंगे। और फ्लेम को हम स्लो कर देंगे और एक एक टिक्की हम इसको यहाँ। अब फ्रेंड्स पलटने से पहले मैं इसमें थोड़ा थोड़ा ऊपर से ऐसे घी लगा देते हैं, इस तरीके से इसको हम पलट। फ्रेंड्स अब ये हमारी टिक्की बनकर तैयार है, ये देखिए अच्छे से हो गई हैं। ये देखिए इसी तरीके से ये सब हो गई हैं। और फ्रेंड्स इनको अब हम निकाल लेते हैं और फिर प्लेटिंग करेंगे। फ्रेंड्स हमारी साबूदाने और आलू की टिक्की बनकर ये तैयार है। और ये देखिए कितनी अच्छी बनी है, और जितनी ये देखने में सुंदर लग रही है उतनी ही बहुत, जब हम फास्ट रख रहे हैं उसके अकॉर्डिंग ये बहुत ही हमारे लिए हेल्दी है और फ़ायदेमंद है। और ये हमें अगर हम खाएंगे तो ये लाइट भी है और हमें इसको खाकर भूख भी नहीं लगेगी। और इसको फ्रेंड मैंने हरी चटनी के साथ सर्व किया है, जैसे कि मैंने बताया था हरा धनिया पुदीना हरी मिर्च डाल के ही मैंने चटनी बनाई है। और फ्रेंड्स इसमें मैंने साबूदाना कुट्टू का आटा नहीं मिलाया है, अगर आप चाहें तो इसको मिला सकते हैं कुट्टू का आटा और या सिंघाड़े का आटा, तो उससे डाल के ये और सॉफ्ट थोड़ा सा क्रिस्पी बनेगी। जो ये मैंने बिना आटे के बनाई है तो ये सॉफ्ट बनी है, तो ये ऑप्शनल है, अगर आप उसमें आटा ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये हमारी डिलीशियस आलू की और साबूदाने की टिक्की बनकर तैयार है। फ्रेंड्स आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। थैंक यू।